Every student, good morning, have a nice day, see lovely day. The Karen coaching center Udan me. Aska abar jo question hai math ka, next question hai apna. The koi bartan ek khokhle ardhgole ke aakar ka hai, jiske upar balan hai. Dekho ardhgole aakar ka ye ho gaya. Iske upar balan half ye ra, balan dal diya hai. Ardhropit ardhgole ka vyas kitna hai? Vyas hamara 14 cm. To humne kya kiya? Yahan par 14 cm dal diya. Yani ki ye hai 14 cm. तो इसकी इसकी त्रिज्या कितनी आ गई? सात आ गई रेडियस. इसकी त्रिज्या आई है, रेडियस है, मान की रेडियस, रेडियस सात आ गई. अब हम क्या करेंगे? व्यास 14, रेडियस सात है, तो अर्धगोल एक बर्तन की कुल ऊंचाई ये कह रहा है. तुमने यहाँ से लेकर यहाँ तक आई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी है? 13 है. और 13 के बाद 13 है, 13 इसके अंदर हम कैंसिल करेंगे, ये तो बाकी कितना बच गया? 6 बच गई. तो इस बैलन की जो ऊंचाई है, देखो अलग भी मान कर सकते हैं आप इसको. ये बैलन है अपना, सात इसमें कैंसिल किया, कितना बच गया? 13 से 7 नहीं, 13 में से 6 बच गया. ये 6 और ये इसकी त्रिज्या कितनी आ गई? 7. ये अलग है और बैलन अलग कर लीजिए. ये अर्धरोपित बैलन ये मतलब ये है, इसकी जो 14 तो 7 रेडियस आ गई, इसकी टोटल ये 14 आ गई. ठीक है, और हमने क्या किया? अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र का 2πr² 2πr² 2 डाल दिया, पाई का भाई बेटा 60 डाल दिया, 7 × 7 7 से कैंसिल हो गया, 2 × 44 44 के साथ की जब मल्टीप्लाई करते हैं 44 × 7 तो इक्वल आता है 308. इज इक्वल कितना आता है? 308 वर्ग सेंटीमीटर. क्या आ गया? वर्ग सेंटीमीटर. अब कहता है बेलन का, बर्तन के बेलन का. अब हम इसका निकालेंगे, इस बेलन का बर्तन के बेलन का क्या ज्ञात करना है? इसका पृष्ठ क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना है. क्या ज्ञात करेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh लिख लीजिए. इस सूत्र क्या आता है? 2πrh लिखो, 2πrh नोट कर लिया अपनी नोटबुक के अंदर. बिल्कुल भी वेरी गुड, एक्सलेंट, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टूडेंट्स. तो लुक हियर प्लीज, आई साइट ऑन ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड इनटू पाई का 7/7 इंटू रेडियस कितनी है? 7 ही है. और एच ऊंचाई ये रही अपनी 6 होगी, कैंसिल कर दीजिए तो 22 और 2 की मल्टीप्लाई करने कितना आता है? 44 और 6 की गुणा करने मल्टीप्लाई करने पर आता है 264. तो यहाँ पर हम डाल देंगे 264 वर्ग सेंटीमीटर. इंग्लिश से लिख लीजिए आप इस तरह से. आ जाओ खिलौने की कुल, खिलौने की कह रहे कि खिलौने इस बर्तन का पृष्ठ क्षेत्रफल याद कीजिए. तो बर्तन का पृष्ठ क्षेत्रफल याद लिखोगे, बर्तन का पृष्ठ या क्षेत्रफल. तो इसको और ये जो आया ना ये इसको प्लस कर दीजिए, यानी कि 264 प्लस में 308 टोटल कितना हो गया? ये टोटल कितना हो गया? टोटल 572. कितना हो गया? 572. ये आपका क्वेश्चन का आंसर है. ये जो आपका जो क्वेश्चन है इसका इसने पूछा है बर्तन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए. तो ये था 572, आ गया, हमने ज्ञात कर लिया. पहले हमने अर्धगोले का निकाला, इसका सूत्र था 2πr², उसके माध्यम से हमने इसको सॉल्व किया तो अपना आया कितना? 308 आया. उसके बाद में हमने बेलन के बर्तन का निकाला तो इसका भी आया हमारा 264 आ गया. और बर्तन के बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है 2πrh. क्या होता है? 2πrh होता है. ये हमारा ये आया 264 आ गया. फिर इसने पूछ लिया इस बर्तन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो टोटल हमने ज्ञात कर लिया 264 प्लस में 308, दोनों को जोड़ने पर आ गया हमारा 572 वर्ग सेंटीमीटर. तो यही क्वेश्चन पूछा था और इसका हमने आंसर दे दिया. जैसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे क्वेश्चन बोलता रहता है, हम उसी हिसाब से हम करते रहते हैं और आंसर हमारा आ जाता है. अगर हम गलत सूत्र डालेंगे इसमें तो गलत ही आंसर होगा, और सही सूत्र डालेंगे
हमारा फार्मूला बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, बिल्कुल एक्सेलेंट राइट होना चाहिए, तभी हमारा जो आंसर सही आएगा। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा? वेरी गुड लाइक, वेरी गुड, शाबाश। तो इसको लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। और हमारा जो चैनल है, कौन सा चैनल है, कैरियर स्टूडियो अहलाबाद या कैरियर कोचिंग सेंटर अहलाबाद के नाम से है, तो उसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करोगे तो आपको जो भी मैं वीडियो डालूंगा 10th क्लास की, जो एनी अदर जो टाइम्स हो गए ग्रामर के, वो भी तो वो आपके पास सीधे चले आएंगे। तो मेल भी कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।